शौका साहब खाना। अरे रहने दो, देर हो रही है मुझे। दोपहर में क्या खाएंगे? अरे खा लूंगा कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बदनामी हो गई। मुझे सांस लेना महाल हो रहा है। तुम क्या समझती हो, मेरे हलक से ये खाना उतरेगा? अब लोगों के डर से क्या सारा दिन भूखा रहेंगे ताया? बात सुनो सितारा, हम ना तो तुम्हारी तरह काली शीशे वाली गाड़ियों में घूमते हैं, और ना ही ऊंची दीवारों वाले महल में रहते हैं। हमारे ऐब नहीं छुप सकते। हमें हर आंख के सवाल का जवाब देना पड़ता है। दूसरों के ऐब गिनवाने के बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पे तवज्जो दी होती उसकी तरबियत की होती तो ये सब ना देखना पड़ता। मैं तो आपकी फिक्र में कह रही थी। मेरी फिक्र में जोहेब से चोरियां करवाती थी। वो तो गलत फहमी। हटो यहां से, जाकर देखो तुम्हारी बेटी है या फिर कोई प्लानिंग कर रही है हमें धोखा देने की। मेरी बेटी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जैसे मेरी शय पर किया उसने सब कुछ। हाँ तो किसके शय पर गई थी ताई? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से वो इन चक्रों में पड़ी है। दिखाती थी ना उसे अपनी बदनामी के दम पे मिलने वाली ऐशो इशरत की जिंदगी। तो उसने भी सोचा कि इज्जत गंवा कर जिंदगी सवर जाती है। अमीर बंदा मिल जाता है वो भी चल पड़ी तुम्हारे इस गंदे रास्ते पर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं किरण की दुश्मन हूं? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बोझ भरा हुआ है। बोझ? नफरत करती हूं मैं तुमसे सितारा। दिन आती है मुझे उस दिन से जिस दिन से तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अरे अगर तुम्हें सालार से शादी करनी थी तो कराची आने तक का इंतजार करती ना। इतने उतावलेपन की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मेरे बुढ़ापे का सहारा अपनी जान देने को तैयार है। सालार भाई आया बाहर।